क्या हुआ आस्था, रो क्यों रही है? हाँ आस्था, तू ऐसे रो क्यों रही है? बता ना। क्या बताओ यार, सब खत्म हो गया। क्या हुआ, क्या खत्म हो गया? वो कल राहुल ने उसकी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया और किसी और से शादी कर लिया, ऐसा कोई करता है क्या? और वो प्रियंका उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसे कुछ नहीं बोला राहुल को, और जिससे राहुल का शादी होने वाला था उसे पता ही नहीं कि राहुल इतना बड़ा धोखेबाज है। और राहुल को किसको धोखा दे रहा है, किससे शादी कर रहा है, क्या बोल रहे हैं, ये सब क्लियरली बोलना। अरे वो कल मैंने सीरियल में देखा कि राहुल ने किसी और से शादी कर ली और वो हीरोइन बेचारी उसकी गर्लफ्रेंड। What the hell? मतलब कब से तू हमें सीरियल के बारे में बता रही थी और ऐसे रो रही थी? उफ, तेरी ये सीरियल देखने वाली आदत कब जाएगी? ठीक है अब चुप हो जा, रो क्यों रही है, आ जा। मैं ना वॉशरूम होकर आती हूँ। आप यहाँ? मुझे खबर आया है रेस्टोरेंट में इल्लीगल काम होता है। नहीं मैम। चुप रहो, अपने ओनर को बुलाओ। जी मैम, बोलिए क्या काम है? ओह तो आप हो यहाँ के ओनर, मुझे आपके रेस्टोरेंट की चेकिंग करना है। ओके नो प्रॉब्लम, पर उससे पहले आप मुझे मेरे रेस्टोरेंट चेक करने के वार्डन दिखा दीजिए, फिर हम आराम से चेक कर सकते हैं, नो इशू। क्या हुआ मैम, चुप क्यों है? अगर आपके पास वारंट नहीं है तो आपका कोई हक नहीं बनता मेरा रेस्टोरेंट चेक करने का। एंड बाय द वे, आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है कि मेरे यहाँ इलीगल काम होता है और ये एक फैमिली रेस्टोरेंट है? और मैं कोई इलीगल काम नहीं करती जिससे मुझे या मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो। नाउ यू कैन लीव मैम, अभी तो मैं जा रही हूँ। देखो बोलना सीखो और सिचुएशन हैंडल करना भी, ऐसे मैनेजर नहीं बनाया तुम्हें, गॉट इट? शोभा, मैंने सुना है यहाँ पुलिस आई थी। आए तो थे, पर शोभा सिंह के रेस्टोरेंट में वो दाग लगने कभी नहीं देखी। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन दिया किसने। एनीवे छोड़ो, खाना ऑर्डर किया, ठंडा हो जाएगा। अभी एक्सीडेंट हो जाता ना। क्या हुआ शोभा? हाँ शोभा क्या हुआ? मैडम फोन में इतना बिजी थी कि आज उनको गाड़ी उड़ा देता। ओह माय गुडनेस, अगर आज तुझे कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता शोभा, बोल। ओफो चिल करो यार, तुम्हारे रहते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ पर हर वक्त हम तो नहीं रहेंगे ना तुझे बचाने के लिए, डोंट बी सो केयरलेस शोभा। अच्छा बाबा सॉरी, अब चलो कॉफी पीने। ये शोभा हर बार बच जाती है, इसका किस्मत इतना अच्छा क्यों? शोभा तुमने एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर इस कंपनी को बहुत आगे तक ले गई है। मुझे प्राउड होता है कि तुम्हारे जैसा लॉयल और हार्ड वर्किंग लड़की मेरे लिए काम करती है। पर अब से तुम्हें मेरे लिए काम करने की कोई जरूरत नहीं। मतलब सर? मतलब मैं तुम्हें इस कंपनी का 50% ओनर बनाना चाहता हूँ। Really? Yes, so congrats. Thank you so much sir. और सर मैं? तुम्हें थोड़ा सीखना होगा कि क्लाइंट के साथ डील कैसे किया जाता है। तुम काम पे फोकस करो और सुबह से कुछ सीखो, बाकी मैं देखूंगा।
सो नाउ यू कैन लीव, मुझे सुबह से कुछ पर्सनल बात करनी है। श्योर सर। कांग्रेस डियर, थैंक्स। हाँ शोभा, कांग्रेचुलेशन न्यू पोस्ट के लिए। हाँ यार, मैनेजिंग डायरेक्टर से सीधा डायरेक्ट 50% ओनर, वाओ। ऊपर से तूने न्यू रेस्टोरेंट भी तो खोला है, तो गाइस पार्टी तो बनती है ना? उड़ते पतंगों में। हाँ हाँ, जरूर मिलेगी पार्टी, कल आना सब मेरे रेस्टोरेंट में। हाँ, फिर करेंगे पार्टी। हेलो पुलिस, यहाँ फ्लाई हाई होटल में इल्लीगल काम होता है, आप जल्दी से आ जाइए। सिर्फ 50,000 है, बस इस लड़की को उड़ाना होगा। आज ये शाम को 4 बजे स्काई हाई होटल के वहाँ पे मिलेगी। ठीक है। बट शोभा, अब तेरे किस्मत में आस्था नाम का ग्रहण लग चुका है, अब तुझे खत्म करके ही मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। आस्था, कितने तो हाथ को क्या हुआ? मैं शायद पैंडल ना कर दी। अच्छा मौका है, इस बार तेरे और मौत के बीच कोई नहीं आएगा। अरे शोभा, आस्था, तुम दोनों अपन रूठे पर आए, रूठे और रूठना। क्या हुआ आस्था, डर क्यों रही है? नहीं नहीं, मैं क्यों डरूंगी। अच्छा ये बता, मुझे मारने आई थी ना? मारने? मैं तुझे? पर मैं तुझे मारने क्यों आऊंगी शोभा? कैसे पागलों जैसी बात कर रही है? अपने रूठे पर आए, रूठे और रूठना। पागल मैं नहीं, तू हो चुकी है जेलसी के चक्कर में। ये लेकर 3 बार तूने मुझ पे हमला किया। क्यों आस्था, क्यों मारना था मुझे? मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, फिर भी तूने मुझे मारने का सोचा? बताना आस्था, मुझे तेरे मुंह से सुनना है, बोलना। हाँ, मैं तुझे यहाँ मारने ही आई थी। मैंने तेरे ऊपर कितनी बार हमला किया था, लेकिन तू हर वक्त बच जाती थी। मैं तुझसे नफरत करती हूँ, बहुत ज्यादा नफरत। मैं जितना भी कोशिश करूँ, जितनी भी मेहनत करूँ, पर तू हमेशा मुझसे आगे बढ़ जाती है। मुझे जो चाहिए होता है वो तू ले लेती है। मैं तुझे आज मार कर ही छोड़ूंगी। अपनी दोस्त की जान लेने पर तुली है? होश में आ आस्था, इसे पहले से ही पता था कि तू उससे मारने वाली है। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, और तू छी आस्था। अब तेरे किस्मत में आस्था नाम का ग्रहण लग चुका है, अब तुझे खत्म करके ही मेरे आत्मा को शांति मिलेगी।
शर्म आनी चाहिए तुझे आस्था, अगर तेरी जैसी दोस्त हो ना तो हमें दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है। इसने हर वक्त तेरा साथ दिया, तुझे प्यार दिया और तू इस तरह से बिहेव कर रही है। I apologize for everything, Shobha. Please, मुझे लास्ट चांस दे दे। मैं तुझे लास्ट चांस दे देती आस्था, पर अगर तूने अनजाने में किया होता तो जो भी हुआ ना वो तूने जान बूझ के किया। गलती सबसे होती है, पर तूने जो किया ना वो गलती नहीं था। गलती को माफ किया जाता है, पर जो जान बूझ के करे ना उसे माफी नहीं करते। और हाँ, जिसके मन में एक बार नेगेटिव जेलेसी सब आ जाता है ना, तो जितना भी माफी मांग ले दोबारा उसके मन से ये कभी नहीं जाता। इसीलिए ऐसे लोगों को माफ नहीं, इग्नोर करना चाहिए।